सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाती है। पारिवारिक और व्यवहारिक व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलट कर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी होता है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। आज का पंचांग 3 फरवरी 2022 दिन गुरुवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, सुबह 4:38 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र शाम 4:34 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:03 से 3:26 तक रहेगा। आज का बीजित मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मकर राशि 3 फरवरी 2022 दिन गुरुवार, सेहत नरम रह सकती है, कुछ घबराहट भी महसूस कर रहे हैं। अचानक आपका ध्यान धर्म में हो सकता है, शायद आप नए विश्वास को खोज रहे हैं। धन संबंधित निर्णय लेने के लिए अभी समय सही नहीं है, इसलिए अपनी पुरानी योजना का ही पालन करें। आज यह भावनात्मक रूप से अकेले और निराश महसूस करेंगे। हम में से बहुत से लोग प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसीलिए हारते हैं क्योंकि लक्ष्य का बोध ही नहीं है। ग्रह स्थिति अनुकूल है, अपने जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल आप स्वयं ही निकालने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक सफल भी होंगे। व्यस्तता के बावजूद आप अपने मित्रों व रिश्तेदारों के साथ भी संबंध मधुर बनाकर रखेंगे। आज आपका लक्ष्य प्रगति की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके विचारों में सकारात्मकता बनी रहेगी, इस वजह से आपके आसपास के लोगों को भी सकारात्मक महसूस होने लगेगा। प्राप्त होने से आसानी से काम पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के साथ अन्य स्किल्स का भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन सुख शांति भरा रहेगा। पार्टनर और पारिवारिक लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर पाना संभव हो सकता है। सावधानियां, युवा वर्ग वैध की गतिविधियों में पढ़कर अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। कोई अप्रिय घटना का आपके मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। कुछ समय मेडिटेशन में व्यतीत करें, इससे पॉजिटिविटी आएगी। बात करते हैं लव लाइफ की। धर्म की तरफ झुकाव होने के कारण अभी आपका अपने साथी या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म स्थान या लघु यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है, क्योंकि यह समय रोमांस के लिए उपयुक्त है और आप अपने साथी के साथ अंतरंगता या जुड़ाव महसूस करेंगे। व्यस्त होने के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। आप यदि फिलहाल सिंगल हैं और किसी के जीवन में खास जगह बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई आपका ख्याल रखे, तो आपको प्यार की कला सीख लेनी चाहिए। आज के दिन आपको उन ठंडी हवा से मिला देगा जिसका इंतजार आप कब से कर रहे हैं। बात करते हैं करियर की। अगर आप करियर या रोजगार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि भविष्य में आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा। धन को लेकर सावधान रहें, नुकसान या चोरी हो सकती है। आज अपनी बनाई गई योजनाओं और नीतियों पर अड़े रहें और कोई भी नया निर्णय ना लें। व्यापार में लाभ पाना चाहते हैं तो सोच समझ कर निवेश करें। धन को कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में पहले से ही विचार कर लें। दिन हमेशा एक समान नहीं रहते, इसलिए बुरे दिनों के लिए भी धन बचाएं। बात करते हैं सेहत की।
हल्की फुल्की मौसमी परेशानी रहेगी। विशेषकर महिलाएं तथा बुजुर्ग अपने विशेष ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।